अच्छा था। अब हम बढ़ रहे थे कि ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स हमने रिकॉर्ड किए, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या था, ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे थे ना, कब क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांजेक्शन के प्रॉपर वे में रिकॉर्ड के साथ क्या कर रहा है। अब हम रिकॉर्डिंग पे बात करते हैं तो पहले ये डेफिनेशन लिख लें, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग जो कॉपी कर रहे हैं। अकाउंट्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, नंबर वन प्राइम एंट्री बुक्स, नंबर टू फाइनल एंट्री बुक्स। अच्छा, प्राइम एंट्री बुक्स में क्या आता है, इसमें आ जाएगा जर्नल जर्नल, और फाइनल एंट्री में इसमें आता है स्पेशल जर्नल्स, और फाइनल एंट्री में आ जाएंगे जर्नल लेटर्स। और इसके बाद देखिए जो स्पेशल जर्नल है इसकी फर्दर सिक्स टाइप्स होती हैं, ये स्पेशल जर्नल्स है। ये हमारी कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ये कॉपी कर रहे हैं पहले इसको और बात करते हैं, ये कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसमें इनके दो कैटेगरीज हैं, प्राइम एंट्री बुक्स और फाइनल एंट्री बुक्स। अच्छा, ये प्राइम एंट्री बुक्स को प्राइम एंट्री क्यों कहते हैं और फाइनल एंट्री को फाइनल एंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी। इनिशियल रिकॉर्डिंग हम करेंगे जर्नल जर्नल में या फिर स्पेशल जर्नल में, और इसके बाद फर्दर रिकॉर्ड करेंगे उसको जर्नल लेजर में, और जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद फिर कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक। इससे ये कहलाती है प्राइम एंट्री बुक्स, इनिशियल रिकॉर्डिंग, और वो फाइनल एंट्री बुक्स है। अच्छा, प्राइम एंट्री में फिर दो कैटेगरीज आ गई, जर्नल जर्नल और स्पेशल जर्नल। अच्छा, तो नाम से क्लियर है, जर्नल जर्नल तो ये जर्नल पर्पस के लिए, और ये आपके स्पेशल जर्नल्स हैं तो इनका कुछ एक स्पेशल पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, और उसी पर्पस के लिए यूज की जाती है। अब इनका पर्पस क्या होता है स्पेशल, वो जब हम ये बनाएंगे फिर बताऊंगा, ठीक है। कि हर डे बुक का एक पर्पस है और उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड की जाती है। वो पर्पस क्या होते हैं वो जब हम ये बनाएंगे तो आपको लिखवा दूंगा। अच्छा, तो स्टार्ट हम करेंगे जर्नल जर्नल से, पहले जर्नल में बनाएंगे, इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे जर्नल लेजर, उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, और फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल जर्नल्स बनाएंगे, इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी टाइम पे फिर मैं इनका पर्पस भी आपको लिखवा दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे जर्नल जर्नल से। अच्छा, इससे पहले आपको फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूँ, फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल जर्नल का। ये ऊपर एक हेडिंग आ जाएगी कंपनी नेम जर्नल जर्नल, और उसके बाद ये इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। पहला डेट का कॉलम आ गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर इसमें लिखते हैं, फिर ये कॉलम ये लिखा हुआ पी स्लैश आर, इसके फुल फॉर्म होती है पोस्ट रेफरेंस, पोस्ट रेफरेंस। इसके फुल फॉर्म है पोस्ट रेफरेंस, इसके बाद तो एक कॉलम है डेबिट और दूसरा कॉलम है क्रेडिट। तो इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होंगी कि डेट के कॉलम में ट्रांजेक्शन की डेट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन के कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पे कैश बैंक एसेट एक्सपेंस जो भी होगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा क्या चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद जो पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है ये फिलहाल ब्लैंक रहेगा, एंट्री रहेगा, इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और उसके बाद भी दो कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, तो अभी हमने देखा कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं,
दोनों इफेक्ट्स का रिकॉर्ड होंगे, एक इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट कॉलम में, दूसरा इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट कॉलम। ठीक है, अच्छा अच्छा तो ये डेबिट क्रेडिट होते क्या है, इसकी कोई मीनिंग, कोई क्या चीज है, क्या होता है? नहीं नहीं गाय वो डेबिट होती है तो क्या है वो क्रेडिट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है क्रेडिट 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 मतलब जैसे लोन डिक्रीज इंक्रीज। अच्छा ये तो रूल हो गया ना, जो आप लोग बता रहे आना जाना, इंक्रीज डिक्रीज, प्लस माइनस, ये तो सब रूल हो गए, इसके रूल है। तो नहीं, डेबिट क्रेडिट होते क्या, खुद क्या होते, ये बताया पहले तो। मैं वो क्रेडिट कार्ड अलग चीज है, डेबिट कार्ड अलग चीज है, वो कार्ड है, हम बात कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। इससे कोई मीनिंग, कोई डेफिनेशन है इसकी कोई? हाँ मैं वो रूल है सर, रूल की बात कर रहा हूँ, क्या कह रहे क्लास में, वो तो रूल्स बता रहे हैं ना आप लोग, आना जाना, इंक्रीज डिक्रीज, प्लस माइनस, जो भी है। तो डेबिट होता क्या है, खुद ये बताया ना, इसकी कोई मीनिंग, कोई डेफिनेशन? नहीं। अच्छा देखिए, जो डेबिट और क्रेडिट है, ये सिर्फ दो टर्म्स हैं, इसके ना तो कोई मीनिंग है, ना कोई डेफिनेशन है, ना कोई एक्सप्लेनेशन। बस लिखने में आता है, जैसे देखिए अब ये दो कॉलम है, अच्छा अब ये दो कॉलम है ना, जैसे आप राइटिंग कॉलम कह सकते हैं और इसको लेफ्ट हैंड कॉलम कह सकते हैं ना, राइट पर राइट हैंड कॉलम, लेफ्ट पर लेफ्ट हैंड कॉलम। तो ये राइट हैंड कॉलम, लेफ्ट हैंड कॉलम में क्या मीनिंग हुआ, और नाम ही हुआ ना सर, लेफ्ट राइट पे तो उसको आपने राइट हैंड कॉलम कह दिया, लेफ्ट पे तो उसको आपने लेफ्ट हैंड, तो ये नाम हो गया ना सर। तो इसी तरह से हमने बजाय इसको राइट हैंड कॉलम कहने के और इसको लेफ्ट हैंड कॉलम कहने के, हमने इसे नाम दे दिया डेबिट का और इसको नाम दे दिया। तो ये सिर्फ दो कॉलम के नाम, डेबिट क्रेडिट, इसके ना तो कोई मीनिंग है, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई डेफिनेशन, बस लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, दो साइड के नाम है। अच्छा हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हैं, तो दोनों इफेक्ट्स हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक इफेक्ट रिकॉर्ड होगा लेफ्ट हैंड कॉलम में डेबिट और एक राइट हैंड कॉलम में क्रेडिट कॉलम। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स कैश क्रेडिट और पूछा, इफेक्ट्स बताइएगा, इफेक्ट इफेक्ट्स कैपिटल इफेक्ट्स, बिजनेस स्टार्ट किया, इंक्रीज इफेक्ट पूछ रहा हूँ, आप डेबिट क्यों बोल रहे हैं, इफेक्ट जो पूछा है वो बताए, एसेट इंक्रीज हुए, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा ना, अभी जो हम लिख रहे थे। अच्छा एसेट इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज, तो एक इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट कॉलम में, दूसरा इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट कॉलम में, 0 ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हमने एक बैंक से लोन लिया, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, बैंक से लोन ले रहे हैं, एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, तो एक इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट कॉलम में, दूसरा इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट कॉलम में। अच्छा अब हमने फर्नीचर बाय किया क्रेडिट पर, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज और एसेट इंक्रीज होंगे, तो एक इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट कॉलम में, दूसरा इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट कॉलम। ठीक है, इस तरह से रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके घर में आएगा कि कब कौन सा इफेक्ट किस कॉलम में रिकॉर्ड होगा, जैसे कभी अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो किस कॉलम में रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो किस कॉलम में आएंगे, डिक्रीज है तो किस कॉलम में, लायबिलिटी इंक्रीज है तो किस कॉलम में, डिक्रीज है तो किस कॉलम में। तो कब आपने डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, कब आपने क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा इफेक्ट डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा और कब कौन सा इफेक्ट क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा। ठीक, वो पहले आपको रूल्स लिखवाता हूँ, तो ये आपको समझ में आएगा कि डेबिट कॉलम में क्या रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट कॉलम में क्या रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब इसके रूल्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसके रूल्स। ठीक है, ये आगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट,
और ये अब इसके रूल्स हैं। अच्छा पहले समझ लें, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा ये हेड ऑफ अकाउंट होते हैं फाइव हमारे, एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी कैपिटल। अब एसेट्स के लिए रूल क्या है कि एसेट तो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस के लिए रूल क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद इनकम के लिए रूल क्या है, इनकम डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कॉलम। यही रूल लायबिलिटी के लिए और यही रूल कैपिटल के लिए। इसमें देखिए एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल सेम है, इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। इनकम लायबिलिटी कैपिटल के लिए रूल सेम है, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड। अब इन रूल्स को देखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा इफेक्ट किस कॉलम में रिकॉर्ड होगा। ठीक, अब ये रूल्स कॉपी कर लें। जी अच्छा सब आएगा, सब आएगा। पहले इसको आप समझ लें, बाद में कॉपी कर लीजिए। 2.4 अब इसका हम बनाएंगे जर्नल, जर्नल एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। अच्छा ये बन जाएगा आपका जर्नल। पहले इसको समझ लें, बाद में आराम से कॉपी कर लीजिए। अच्छा पहले का सेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद 17,500 इन कैश। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे जो पूछा है वो बताइएगा। इफेक्ट्स क्या होंगे, एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। अच्छा रूल्स क्या है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कॉलम। ठीक है। अच्छा अब जब हम यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे ना, ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ सिर्फ एसेट लायबिलिटी या एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एसेट को एसेट के प्रॉपर नेम से रिकॉर्ड करें। ठीक है, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में तो ओवरऑल बात कर रहे थे एसेट लायबिलिटी कैपिटल, जब रिकॉर्डिंग की बात आती है तो फिर ओवरऑल बात नहीं, बल्कि अब उसको उसके स्पेसिफिक नेम से रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा एसेट, कैश। कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा कैश ना, उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। डेट के कॉलम में डेट आ गई, डिस्क्रिप्शन में एसेट नेम आ गया, और डेबिट कॉलम में उसका अमाउंट आ गया। ठीक है, एसेट इंक्रीज डेबिट। सेकेंड इफेक्ट कैपिटल इंक्रीज हुआ तो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे कैपिटल, और ये क्रेडिट कॉलम में आ गया। है, एसेट इंक्रीज कैश डेबिट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। अच्छा अब ये दो इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा इसे जो ये हमने इफेक्ट रिकॉर्ड कर लिए, एक एंट्री हम बना रहे हैं डेबिट कॉलम में, दूसरी एंट्री हमने बनाई, तो इसे हम डबल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम यू कह सकते हैं कि हम जर्नल जर्नल में ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। तो हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनेगी, एक एंट्री डेबिट कॉलम में होगी, एक एंट्री क्रेडिट कॉलम। ठीक, यानी कि अगर आपसे कोई कहे भाई ये क्वेश्चन है इसकी डबल एंट्रीज बनाए, तो आप क्या बनाएंगे, जर्नल जर्नल बनाएंगे। तो जर्नल जर्नल में हम ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा ये हमने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर हमें एक सेंटेंस लिखना होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने क्या चीज रिकॉर्ड की। अच्छा और उसे हम कहते हैं नरेशन। एक नरेशन हमें यहाँ देनी होती है, एक सेंटेंस लिखना होगा जिसमें हम ये बताएंगे हमने क्या चीज रिकॉर्ड की। स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्या रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कैपिटल या इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो रही है ना, इसको आप लिखेंगे इस तरह से, टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट। यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट और नरेशन। कॉपी बाद में कीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, बॉब पेड 9,400 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज। ठीक है, एसेट इंक्रीज ऐसे डिग्री होगा ना, लाइब्रेरी तो नहीं है दोनों है ना। हाँ आपका एसेट इंक्रीज होगा बैंक बैलेंस, और एसेट डिक्रीज होगा कैश। तब इंक्रीज क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा,
और कैश डिक्रीज होगा। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। अब रूल्स क्या है? एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ? डेबिट में लिखेंगे बैंक, और कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ? क्रेडिट में लिखेंगे कैश। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और इसके बाद नरेशन आ जाएगी। तो रिकॉर्ड डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। अच्छा, कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है? फर्नीचर। अच्छा, लायबिलिटी, अब लायबिलिटी को क्या नाम देंगे? अकाउंट्स पेबल। अच्छा, रूल्स क्या है? एसेट इंक्रीज हो रहे तो डेबिट करेंगे, एसेट इंक्रीज ऑफिस फर्नीचर डेबिट, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। रूल क्या है वो देख ले, जो लिखे हमें देख के बता सकते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स पेबल के नाम से। एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स पेबल के नाम से, और इसके बाद इसकी नरेशन आ जाएगी। ध्यान तक क्लियर? ठीक, अब ये कॉपी कर, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 8। अच्छा, व्हाट अ बैंक पेइंग बाय चेक। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज हो जाएगा ना, एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। अब रूल क्या है? एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, रूल क्या है? एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहे हैं? वैन आ रही है ना, तो डेबिट में लिखेंगे वैन, और कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है? बैंक, चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक डिक्रीज होगा, बैंक हो जाएगा क्रेडिट। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और इसके डायरेक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट, ट्रस्ट बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्स एंड सन्स ऑन क्रेडिट। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। अब रूल क्या है? एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है? इक्विपमेंट, डेबिट में इक्विपमेंट आ जाएगा, और लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स पेबल के नाम से। नहीं, पेबल पे लगने चलेगा। आप क्या करें? क्या नहीं, अलग अलग हर एसेट अपने नाम से अलग अलग। तो आपके एक बार एक रिकॉर्ड हो ना कि बैंक कितनी है, इक्विपमेंट्स कितने की है, बैंक में कितने पैसे हैं, कैश कितने पैसे हैं, फर्नीचर कितने का है, बिल्डिंग कितनी की है। अगर एसेट ही लिख देंगे, सारे एसेट लिखे का होगा, अलग अलग पता ही नहीं चलेगा बैंक बैलेंस कितना है, कैश कितना है, गाड़ियाँ कितने की हैं, पता कैसे चलेगा? इसलिए अलग अलग नाम, ताकि हर चीज़ का एक अलग रिकॉर्ड हुआ। जैसे कैश और बैंक को अगर एसेट लिख दें, आपको पता कैसे चलेगा बैंक बैलेंस कितना है और ऑफिस में कितना कैश है? मिक्स हो जाएगा अलग अलग, हर एक का अलग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 18, रिटेन क्वालिटी ऑफ इज फर्नीचर 262 ड्रीम लिमिटेड। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट बताइएगा, इफेक्ट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, कम होगी, रिटर्न कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो रहा है। हाँ, अब रूल्स क्या है? लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट अकाउंट्स पेबल, एसेट डिक्रीज क्रेडिट ऑफिस फर्नीचर। लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और इसकी नरेशन।
नहीं माइनस प्लस नहीं होता इसमें, इसमें माइनस प्लस नहीं होगा, इसमें डेबिट क्रेडिट होगा। अच्छा एक चीज और देखिए, हमेशा डेबिट पहले रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट बाद में आएगा, ये भी याद रखें। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो इसमें लिखते हैं ऑफिस फर्नीचर इधर क्रेडिट में पहली लाइन पे, और फिर दूसरी लाइन पे लिखेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट में। ऐसा नहीं होगा, हमेशा डेबिट पहले रिकॉर्ड होगा क्रेडिट बाद में, हमेशा डेबिट पहले क्रेडिट बाद में। अब ये नहीं करेंगे ऑफिस फर्नीचर पहले लिख के उसको क्रेडिट करें, फिर नीचे दूसरी लाइन पे अकाउंट पेबल लिख के डेबिट करें, ऐसा नहीं होगा। बात एक ही है लेकिन एक फॉर्मेट होना चाहिए ना, वो सब मिक्स हो जाएगा ना। लेकिन एक सीक्वेंस चल रहा है, सारे डेबिट वाले पहले आ रहे हैं क्रेडिट वाले बाद में आ रहे हैं, तो कहीं पे आप डेबिट पहले लिखे हैं, कहीं पे क्रेडिट पहले लिखे हैं, फिर डेबिट पहले, तो ये किसी किसी बन जाएगी ना, इसलिए फॉर्मेट। इसलिए क्या करना है, हमेशा डेबिट पहले क्रेडिट बाद। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक कॉपी कर लें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25, सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट्स फॉर कैश। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एसेट डिक्रीज एसेट इंक्रीज। एसेट डिक्रीज एसेट इंक्रीज। अब रूल क्या है, एसेट इंक्रीज डेबिट और एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश, तो डेबिट में आ जाएगा कैश। और कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ, क्या चीज सेल हुई, इक्विपमेंट, तो क्रेडिट हो जाएगी इक्विपमेंट। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट है 26, पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड बाय चेक। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, एसेट डिक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, पे कर रहे हैं तो एसेट डिक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज। अच्छा रूल्स क्या है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। एसेट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा बैंक। लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट 28, took 130 out of the bank added to cash. इसके दो इफेक्ट्स, कैश इंक्रीज बैंक डिक्रीज, ये क्या एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज। अब रूल क्या है, एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश डेबिट होगा और एसेट डिक्रीज क्रेडिट बैंक होगा। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अच्छा लास्ट ट्रांजेक्शन है, वो भी रिकॉर्ड कर लें फिर कॉपी कर लूंगा। अच्छा लास्ट है, एड ड्रॉन लाइन का 4,000 गिविंग अस द मनी बाय चेक। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एसेट इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज। तो रूल्स क्या है, एसेट इंक्रीज डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। अच्छा अब यहाँ एसेट कौन सा इंक्रीज हो रहा है, बैंक आएगा, चेक मिलेगा, तो एसेट इंक्रीज बैंक डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्रेडिट करेंगे। अच्छा क्रेडिट में इसको अकाउंट्स पेबल नहीं लिखेंगे, रिसीवेबल भी नहीं लिखेंगे, लायबिलिटी है ना पे करना है, तो अब अकाउंट पेबल नहीं बल्कि इसको लिखेंगे लोन पेबल, लोन पेबल। फर्क क्या दोनों में, फर्क ये है कि जब हम देखें कोई चीज बाय करते हैं, कोई चीज बाय करेंगे क्रेडिट पे तो लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, और जब बोरो करेंगे तो लिखेंगे लोन पे। तो बोरो करना मतलब लोन ही ले रहे हैं ना, किसी से पैसे बोरो कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या, आप लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इसलिए उसको लिखेंगे लोन पेबल। और जब कोई चीज बाय करेंगे क्रेडिट पर तो लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, तो उससे एक डिफरेंस रहेगा ना। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हैं अकाउंट पेबल, तो आपको पता कैसे चलेगा लोन कितना है आप पे, जबकि बोरो करते हैं तो उसके लिए लोन का अकाउंट बनेगा, और जब कोई चीज बाय करेंगे तो अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनेगा। कौन सी वाली, हाँ वो तो करता ना अभी, ठीक है क्लियर।
ठीक है, 1 मिनट इसको यहाँ पे मैं जरा बैक करता हूँ, फिर आप लोग कॉपी कर लीजिएगा।